Hello friends, welcome to my YouTube channel Online Study for Computer Science. So PostgreSQL सीखने की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे यहाँ पर लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन के बारे में. सो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि जॉइन क्या होते हैं, जॉइन क्वेरी है इसका कहाँ यूज होता है, और हमने वहाँ पर सिंपल जॉइन के बारे में या फिर इनर जॉइन के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया था. तो जॉइन को मैंने आपको बताया था यहाँ पर चार पाँच टाइप के होते हैं जॉइन, तो इनके वन बाई वन टाइप्स हैं, उनको हम डीवीडीज आगे वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे. सो इस वीडियो में हम सेकेंड और थर्ड टाइप है जो है लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन, तो इसके बारे में हम बात करेंगे. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्टूडेंट्स नाम की टेबल है जो मैंने यहाँ पर शो करवा रखी है, ठीक है. और इधर हमारे पास एक टीचर्स नाम की टेबल है जो मैंने यहाँ पर शो करवा रखी है, ठीक है. सो मैंने आपको दोनों टेबल दिखाने के लिए न्यू टैब में यहाँ पर ओपन किया हुआ है, और इस टैब में हम यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए, ठीक है. सो लेफ्ट जॉइन, हमने सिंपल जॉइन के बारे में बात करते हैं. सिंपल जॉइन या इनर जॉइन हमने देखा था, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो भी कॉमन होता है उनको वो प्रिंट करता है, और बाकी के जो भी डेटा है या रोज है उनको वो छोड़ देता है, उनको वो प्रिंट नहीं करता है. बस जो कॉमन चीज होती है उसको वो प्रिंट करता है, ठीक है. जहां पर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है उसको प्रिंट करता है, ठीक है. बट अगर हम बात करते हैं लेफ्ट जॉइन की, तो लेफ्ट जॉइन का मतलब होता है कि हमारे जैसे हमने देखा था जॉइन क्लॉज है उसके लेफ्ट में और राइट में दोनों टेबल्स का नाम प्रोवाइड करते हैं, टेबल वन और टेबल टू, ठीक है. सो लेफ्ट जॉइन की बात करते हैं तो जो जॉइन क्लॉज है, जॉइन स्टेटमेंट है, इसके राइट में लेफ्ट में जो फर्स्ट टेबल होती है लेफ्ट साइड में, उसका वो सारा डेटा को प्रिंट करेगा, और लेफ्ट और राइट में जो होती है उसका जो कॉमन डेटा है उसको वो प्रिंट करेगा, ठीक है. इसी तरीके से राइट जॉइन की बात करते हैं तो जो जॉइन क्लॉज के राइट में जो टेबल है उसका सारे डेटा को प्रिंट करेगा, ठीक है. चाहे कंडीशन मिलो या ना मिलो सारे डेटा को प्रिंट करेगा, उस टेबल को कंप्लीट प्रिंट करेगा, और जो लेफ्ट वाले टेबल है उसके करस्पॉन्डिंग डेटा को वो जिसमें कंडीशन सेटिस्फाइड होगी उसी को प्रिंट करेगा, ठीक है. सो कहने की बात ये अगर लेफ्ट जॉइन है तो लेफ्ट वाले टेबल का कंप्लीट डेटा प्रिंट होगा, ठीक है, और राइट वाले का जो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी उसी को प्रिंट करेगा. और अगर बात करते हैं जो टेबल के, अगर राइट जॉइन हम ले रहे हैं तो टेबल के राइट में जो टेबल है उसका कंप्लीट डेटा को प्रिंट करेगा, ठीक है. सो अगर अब ये हम यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल आपको लाइव करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. सो मैं यहाँ पर क्वेरी लिखता हूँ, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास दो टेबल्स हैं, ये स्टूडेंट्स नाम की टेबल है और ये टीचर्स नाम की टेबल है, ठीक है. सो मैं यहाँ पर क्वेरी लिखता हूँ, पहले वही सेलेक्ट, ये आपने देख चुके हैं कि दोनों टेबल से हम डेटा को फेच करवा सकते हैं, ठीक है. तो मैं टेबल स्टूडेंट्स नाम के टेबल से फर्स्ट नेम और एज को प्रिंट करूंगा, और टीचर्स वाले टेबल से नेम को प्रिंट करूंगा, ठीक है. सो स्टूडेंट्स डॉट एफ नेम, ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट एज. अगर ये आपने नहीं देखा इससे पहले वाले वीडियो को तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले सिंपल जॉइन या इनर जॉइन को आप उस वाले वीडियो को कंप्लीट देखें, तब इसको देखेंगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया कि जॉइन क्या होता है और इसका क्या यूज होता है, ठीक है. और इसी तरीके से मैं टीचर्स डॉट नेम, ठीक है, मैन, इन कॉलम्स को यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, फेच करना चाहता हूँ. अब यहाँ पर हम करेंगे फ्रॉम, ठीक है. फ्रॉम हम जनरल केस में यहाँ पर टेबल का नाम देते हैं, यहाँ पर टेबल का ही नाम देंगे, बट इनर जो जॉइन क्लोज है उससे दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है. सो पहले देंगे हम टेबल वन का नाम, जो हमारे केस में लेट से मैं स्टूडेंट्स देता हूँ, स्टूडेंट्स. फिर यहाँ पर सिंपल जॉइन में हमने सिंपल यहाँ पर इनर जॉइन लिखा था, ठीक है. बट अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम लेफ्ट जॉइन की बात कर लेते हैं. पहले तो हम यहाँ पर लेफ्ट जॉइन लिखना होगा, ठीक है, और राइट जॉइन के लिए सिंपल यहाँ पर राइट जॉइन लिखना होगा, ठीक है. सो टेबल वन जो कि स्टूडेंट्स है, लेफ्ट जॉइन, फिर टेबल टू का नाम जो कि हमारे केस में टीचर्स है, ठीक है. अब यहाँ पर ऑन करके मैं नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है तो आगे स्पेस नहीं है. ऑन करके हम वो कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. तो कंडीशन हम वही देते हैं, स्टूडेंट्स डॉट आई डी इक्वल्स टीचर्स डॉट आई डी, ठीक है. सो ये कंप्लीट क्वेरी हो गई, मैं एक बार आपको रीड करके बताता हूँ. सेलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट एफ नेम, स्टूडेंट्स डॉट एज, टीचर्स डॉट नेम, फ्रॉम स्टूडेंट्स, लेफ्ट जॉइन, टीचर्स, ऑन स्टूडेंट डॉट आई डी इक्वल्स टू टीचर्स डॉट आई डी, ठीक है. सो यहाँ पर सिंपल है, आपको बस यहाँ पर इनर जॉइन सिंपल जॉइन है तो इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन है तो लेफ्ट जॉइन, और राइट जॉइन तो राइट जॉइन, यहाँ पर सिंपल इसी का डिफरेंस है.
और यहाँ पर बस उनकी फंक्शनलिटी में डिफरेंट है, अदरवाइज ऑल क्वेरी कंप्लीट यहाँ पर सेम है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमने लेफ्ट जॉइन का यूज किया, तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, जो इसके लेफ्ट में जो टेबल है उसका तो वो कंप्लीट डेटा को प्रिंट करेगा, ठीक है, और साइड में जो टेबल है उसका जो कंडीशन मैच करेगी उसी को प्रिंट करेगा, ठीक है। सो लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट वाली टेबल का कंप्लीट डेटा प्रिंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से राइट जॉइन की बात करते हैं तो राइट वाली टेबल का कंप्लीट डेटा प्रिंट होगा, चाहे उसके करस्पॉन्डिंग कंडीशंस सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती है, वो कंप्लीट डेटा को प्रिंट करेगा, ठीक है। सो अभी हम लेफ्ट जॉइन की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम की टेबल है जो लेफ्ट में है, ये वाली टेबल, तो इसमें जो चार रोज है इन चारों रोज को प्रिंट करेगा चाहे कंडीशन मैच सेटिस्फाइड करे या ना करे, ठीक है। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी यहाँ पर इसका डेटा आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पहले वाली वीडियो में जो क्वेरी देखी थी उसी का आउटपुट है, वही आउटपुट यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि हमें लेफ्ट में स्टूडेंट नाम की टेबल है, इसमें चार ही कॉलम्स हैं, सॉरी चार ही रोज हैं, तो वो हमारे पास लेफ्ट वाले डेटा का आप देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट डेटा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसको आप अच्छे से तब समझ पाएंगे तब मैं यहाँ पर इसको राइट जॉइन कर देता हूँ एक बार, तब आप देखेंगे कि अगर मैंने राइट जॉइन किया है, ठीक है, तो राइट जॉइन का मतलब है कि इसके जो राइट में जो टेबल है उसका कंप्लीट डेटा प्रिंट होगा, और इसके जो लेफ्ट में टेबल है उसका जो सेटिस्फाइड होगी उसके करस्पॉन्डिंग ही डेटा प्रिंट होगा, और बाकी के जो रोज हैं उनमें नल प्रिंट करेगा, ठीक है, नल वैल्यू यहाँ पर असाइन कर देगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे राइट में यहाँ पर टीचर्स है, क्योंकि हम राइट जॉइन का यूज कर रहे हैं, तो राइट में जो टेबल है टीचर्स उसका कंप्लीट डेटा प्रिंट होगा, आप देखेंगे टीचर्स वाले टेबल में सिक्स कॉलम्स हमारे सिक्स रोज हमारे पास है, तो ये कंप्लीट प्रिंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पर कुछ एरर है, मैं एक बार एरर चेक कर लेता हूँ, लाइन नंबर वन में यहाँ पर मैंने टीचर्स की शायद स्पेलिंग गलत दिए, वन मिनट, मैं इसको वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे, अब आपको देखेंगे कि टीचर्स वाली टेबल राइट में है, तो हम राइट जॉइन का यूज कर रहे हैं, तो राइट वाली टेबल जो कि टीचर्स है उसका कंप्लीट डेटा प्रिंट होगा, आप देखेंगे उसमें जो सिक्स रोज है टीचर्स वाले कॉलम में सिक्स रोज है, तो आप देखेंगे सिक्स रोज है जो कम्प्लीट यहाँ पर प्रिंट है, सिक्स रोज का मतलब जो हमने फैच किए हैं, तो उसमें जैसे हमने टीचर्स का नेम फैच किया है तो उसमें जितनी भी रोज होंगी उन सबका एफ नेम यहाँ पर प्रिंट कर दिया इसने, देखा है। और यहाँ पर राइट वाले सॉरी लेफ्ट वाले टेबल जो स्टूडेंट्स है उसका आप देखेंगे चार ही डेटा यहाँ पर प्रिंट किया, क्योंकि चारों में कंडीशन है जो चार तक ही मैच कर रही थी, हमने कंडीशन दी है स्टूडेंट डॉट आई डी इक्वल्स टू टीचर्स डॉट आई डी, तो आई डी चार तक ही मैच करेगी, तो यहाँ पर चार तक डेटा प्रिंट किया है और बाकी में नल असाइन हो जाएगा, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर नल असाइन हो गया है, बट जो लेफ्ट जो राइट में जो टेबल है उसका कंप्लीट डेटा यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन क्या होता है, एक बार आप इसको खुद से करके देखेंगे और आप इनको लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन को एक्सचेंज करके इन टेबल्स को स्टूडेंट वाले टेबल को अभी लेफ्ट में लिया है, एक बार इसको राइट में लेके देखेंगे तो आप खुद से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन डेटा को कैसे फेच करती है, इनका क्या फंक्शनलिटी है, ठीक है। सो बस इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे वाली वीडियोज में आगे हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे इनके पार्ट को। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज और ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आता हूँ। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।